कल तारीख 2 अक्टूबर 2021 कर्नाटका के शहर बेलगावी में एक उज्जवल नगर के 7 जमातों ने मिलकर एक प्रोग्राम रखा। ये प्रोग्राम में उन्होंने तमाम जीते हुए मुस्लिम कारपोरेटर्स को मधु किया, बुलाया और उन्हें फूलों के गुलदस्ता और चादर पहनाकर उनकी हिम्मत अफजाई की और बड़ी दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में उलमाए किराम भी शिरकत फरमा थे और बहुत सारे जमातों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। जो हजरात इनमें शिरकत फरमाते उनमें मौलाना सलीम साहब, मौलाना साजिद साहब और मुफ्ती साहब और हम मुश्ताक अहमद साहब और भी तमाम कारपोरेटर्स और जमात के जिम्मेदार, जिसमें हमजा पीरजादे हैं, फैरोज हैं और सुहेल भाई हैं, सदरुद्दीन हैं और भी कई हजरात इसमें शिरकत फरमाते जिन्होंने कारपोरेटर्स का स्वागत किया और उनके तमाम खुशी का इजहार करते हुए और एक उम्मीदें जाहिर की कि आने वाले हालात, आने वाले मसले मसाइल और जो भी मोहल्लों के मसले मसाइल होंगे उनको आप अपने दिल से हल करें और तमाम मुस्लिम इलाके हैं जहां से आप लोग चुन कर आए हैं उन इलाकों को पाक साफ रखा जाए। वहां के हर मसले मसाइल को, जो सबसे बड़ा बेसिक मसला है, पानी का मसला है, गटर की सफाई का मसला है, मोहल्लों की पाक सफाई का मसला है, इनको हल करें। और सबसे अहम मसला ये है कि बच्चों में दीन की, बच्चों में तालीम का अहतमाम हो, जिसमें सबसे पहले जो है दीनी तालीम होनी चाहिए, कुरान की तालीम, अल्लाह की तालीम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीम को सिखाते हुए दुनिया की तालीम हासिल करने का एक जरिया बन सके। और जो बच्चे तालीम को हासिल करना चाहते हैं उनकी तमाम उम्मत मुस्लिमा पर यह जिम्मेदारी है कि वो जो साहिब हैसियत अगर ना हो तो हम सबको मिलकर उनकी मदद करना चाहिए और तालीम के मैदान में जो दीन और दुनिया की तालीम है आगे बढ़ाना चाहिए। इस मकसद को लेकर तमाम जमातों ने उन्हें यहाँ बुलाया और उनकी उनकी इस्तकबाल किया और उनसे अपने मुतालिबात रखे और उनमें तमाम कारपोरेटर्स में अजीम पटवेकर ने अपने ख्याल का इजहार किया और उलमा इकराम ने अपने अपने तकरीर के जरिए लोगों को नसीहत की और लोगों का हालात के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया है। आइए देखते हैं इस तमाम प्रोग्राम को किस तरह से इन जमात वालों ने अंजाम दिया है।